under the chapter of the consumer behavior we are going to study the various property that an expenditure function has to exhibit when we see the expenditure function so definitely it will be related to the two things mainly mean the commodities and its quantities and those quantities have to be purchased from market at various prices so definitely there will be the utilization of the price in our expenditure function, if we have to deal with the two commodities X, and in this example, if we say that there are the two commodities, uh, one we can say X prime and the other is X double prime, so then their respective prices will be P prime and the P double prime. Now, these two prices that the consumer is facing. So if we see दैट नाउ द कंज्यूमर हैज़ टू शिफ्ट और स्विच और नॉट स्विच और वी कैन से इट हैज़ टू सब्सिट्यूट याद मैं इसको कहूँ कि कंज्यूमर दो कमोडिटीज़ के दरमियान उनकी प्राइस रेशो के चेंज होने से उसमें आपस में स्विच कर रहा है कि मैं ऊपर से मूव करते करते डाउनवर्ड मैं इन दो सचुएशन के दरमियान मैं कहाँ पर एडजस्ट करूँ कि जो मेरा मिनिमम एक्सपेंडिचर जो है वो मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी दे दे और लेकिन उसने रहना अपने पिछले यूटिलिटी फ़ंक्शन के ऊपर है अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास दो कमोडिटीज़ जिनका हमने ज़िक्र किया है उनकी अमाउंट्स एक्स प्राइम और एक्स डबल प्राइम हैं तो ये दोनों कमोडिटीज़ का एक इंडिविजुअल अपना मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन लाजमी होगा कि कितने एक्सपेंडिचर फंक्शन के साथ हम एक्स प्राइम को खर्च कर रहे हैं हासिल कर रहे हैं और कितना खर्च करके हम एक्स डबल प्राइम को ले रहे हैं और अगर हम अब यहाँ पे देखें तो हम देखते हैं कि दो प्राइसिस पी प्राइम और पी डबल प्राइम के बाद हम एक स्केलर वेक्टर ले रहे स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं और स्केलर इन सेंस कि ये अगर हम इस फॉर्म में कहते हैं कि दैट इज़ द अमाउंट के

के इन टू पी डबल प्राइम और अगर हम इन दोनों को सम अप करते हैं तो इन दोनों का सम अप करके जो हमारे पास प्राइस आएगी पी बार तो हमने एडजस्ट करनी है उस पी बार पे जिस पे वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कहीं रहते हुए विद द मिनिमम एक्सपेंडिचर अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी को अटेन करता है और अगर हम अब हम इस पर जाएँ तो हम कहते हैं कि जो कनकेविटी का प्रॉपर्टी है वो हमें ये बताती है तो अगर हम देखें कि जैसे जैसे प्राइसिस बढ़ेंगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो अगर हमने उसको एक्सपेंडिचर को मिनिमम करना हो तो हमें अब देखना पड़ेगा कि जो इस तरह का मिनिमम पॉइंट है वहाँ से हमने देखते हुए इन्वर्ड रहना होगा तो मिनिमम एक्सपेंडिचर और द मिनिमम अमाउंट ऑफ द मनी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन ऑफ पी बार व्हेन यूटिलिटी इज केप्ट एटलीस्ट इट शुड बी ग्रेटर और वो ग्रेटर किस पे होगी वो उन दोनों पॉइंट्स पे जो कि हमने पी सिंगल प्राइम और पी डबल प्राइम के लिए यूटिलाइज किया और अगर हम इसी पे अगर हम देखें तो अब हम देखते हैं कि हमारे वो जो दोनों पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स पर अगर हम कहें कि एक अमाउंट हमारे पास एक्स और दूसरी एक्स डबल प्राइम है और इन दोनों पॉइंट्स के रिलेटेड जब हम अपने प्राइस को यूटिलाइज़ करते हुए एक पी प्राइम और पी डबल प्राइम ले रहे हैं तो जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है वो हमसे रिक्वायर करता है कि एक पॉइंट के ऊपर जो उसका एक्सपेंडिचर फंक्शन है जो पी सिंगल प्राइम पे वो ये वाला होगा और पी डबल प्राइम पे जो मिनिमम एक्सपेंडिचर एट लीस्ट है वो हमारे पास ये वाला आ रहा होगा और अब इन दोनों के दरम्यान में से हमने जब देखना है तो हमने एक्चुअली अब हमने डिराइव क्या करना है वो करना है हमने P बार प्राइम और हमारे लिए उसको हमने देखना है कि ये वाला जो है ये किस लेवल पे हमारे पास आ रहा हो एंड नाउ व्हेन वी गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट तो हम देखते हैं कि हमारे पास इफ़ देर इज द प्राइस वेक्टर बी क्योंकि ये प्राइस वेक्टर बी को अगर हमने देखना है और हमने एक उस पॉइंट पे जाना है जो हम अपनी नेक्स्ट डायग्राम में शो कर रहे हैं तो so, हमने इसको अपनी को डिराइव करना है एंड हाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर द कंज्यूमर टू स्विच फ्रॉम वन पार्ट टू हेयर और उसके दरम्यान उसकी मूवमेंट अलोंग द सेम यूटिलिटी लाइन जिस तरह हमने प्रीवियस लाइन में बात की थी कि जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देखते हुए कंज्यूमर ऑलरेडी जो अटेन कर रहा है वो अपने मुख्तफ पॉइंट्स के साथ वो अगर हम देखें तो उसकी एक कंडीशन हमारे सामने आती है अगर अब हम यहाँ जाएँ तो ये उसकी पहले वाली पी प्राइम प्राइस है लेकिन एक्स बार वो कमोडिटी है वो अमाउंट ऑफ कमोडिटी हम कहें जो उसको मिनिमम एक्सपेंडिचर की तरफ लेके जाएगी तो इफ़ इट इज़ लाइक दिस तो यहाँ पे अगर हम तय करें तो ये उसका इनिशियल पॉइंट था और लेकिन अगर उसको एक्स बार वाले पॉइंट पे आना है तो हम अगर इस पे जाएं तो इट शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस और उसी तरीके से अगर हम इस पे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नाउ इफ एक्स बार कमोडिटी इज एडेड टू दिस इट शुड बी आइदर इक्वल और ग्रेटर देन दिस पॉइंट अब इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए हम अगर नेक्स्ट पे देखें तो हमने स्केलर पॉइंट्स के एंड वन माइनस के तय किए हैं हम इन दोनों स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इन्हीं दोनों इन के साथ एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई विद दीज इनक्वलिटीज तो हम देखते हैं एज पर रूल्स तो हमने ये के को मल्टीप्लाई किया और दूसरे लेफ्ट साइड को वन माइनस के के साथ मल्टीप्लाई किया एंड करने के बाद अब हम उसका कॉन्स्टेंट फैक्टर एक्स बार यहाँ पे लेके आए एंड वी हैव समड अप दैट इक्वेशन लाइकवाइज जो राइट साइड ऑफ इनइक्वालिटी थी उसको भी हमने उसी तरह मल्टीप्लाई किया एंड वी हैव कम अप दिस सिचुएशन तो अब अगर हम इसको इनईक्वालिटीज को मेयर और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद सम अप करने के बाद जिस इक्वेशन पे आते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशन नज़र आती है वो कुछ इस तरीके के नज़र आती है और इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में अगर आप, आप देखें तो हमने जो प्रीवियसली बात की कि अगर हम एक्स प्राइम वाले पॉइंट पे हों तो so डेफिनेटली इसके साथ अटैच उसकी प्राइस पी सिंगल प्राइम थी और अगर हम एक्स डबल प्राइम पे हों तो इसके साथ उसकी अटैच प्राइस पी डबल प्राइम थी एंड नाउ इफ द कंज्यूमर हैज टू एडजस्ट इट्स यूटिलिटी इन बिटवीन ऑफ ऑल दिस वेयर ही कैन हैव द मैक्सिमम यूटिलिटी बट विद द मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन और वो कनेक्विटी के थ्रू अगर उस पर जाए तो वो देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है और इस पॉइंट से वो देखें तो इस पॉइंट पे आएगा और ये जो कमोडिटी एक्स बार हमने तय की है और इसके लिए उसकी प्राइस पी प्राइम हमने तय की है तो ये वाली पी प्राइम पी बार और एक्स बार के लिए जो हमारे पास मिनिमम एक्सपेंडिचर का फार्मूला एडजस्ट होता है वो ये शो करता है कि यहाँ पे उन दोनों इनिक्वालिटीज के तहत से मूव करते करते वो यहाँ तक इस फॉर्म में ही पहुँचेगा अदरवाइज अगर हम उसको उसकी ओरिजिनल पी प्राइम और उस एक्स बार के तहत देखें तो जो उसका बजट फंक्शन है वो यहाँ से ये होना चाहिए था और उसी तरीके से इसको अगर हम कहें कि वो मूव करके यहाँ पे नहीं आ रहा रादर पी प्राइस बढ़ने के साथ उसका जो एक्सपेंडिचर फंक्शन अगर बढ़ जाता तो वो इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो उसका ये हायर लेवल ऑफ बजट आता है तो प्राइसिस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर फंक्शन हमेशा उसमें कनकेविटी मीन हायर प्रिंट शो होता है ये उसकी एक प्रॉपर्टी है जो हमने अब यहाँ पे तय की लेकिन जब हम उसके मिनिमम एक्सपेंडिचर पे जाएंगे तो उसके लिए अगर हम देखें तो ये हमें सेटअप जो शो करता है कि एक्चुअली दैट इज दो हायर बट बीइंग द मिनिमम एक्सपेंडिचर हम उससे हायर लेवल अटेन कर लेते हैं लेकिन विद मिनिमम एक्सपेंडिचर थैंक यू